बहुत पुराने समय की बात है, सेजलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरि और सोहन नाम के दो किसान रहते थे और वे दोनों काफ़ी समृद्ध किसान थे। उनके पास एक बड़ा सा खेत और कई गायें थीं, लेकिन हरि और सोहन दोनों ही इससे खुश नहीं थे। उन्हें और अमीर बनने का लालच था। और वहीं दूसरी ओर उसी गाँव में हरि और सोहन के पड़ोस में गोपाल नाम का एक किसान रहता था और वे बहुत ही गरीब किसान था और उसके पास केवल एक गाय और एक छोटा सा खेत था जिससे वे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। पर गोपाल बहुत ही मेहनती किसान था, उससे जरा भी लालच नहीं था और वे बहुत ही खुशी से रहता था। और वे हर रोज रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करता ताकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ इसी तरह ठीक चलता रहे। और उसे इतना कुछ देख कर हरि और सोहन को उससे जलन होने लगी और वे सोचने लगे कि गोपाल के पास तो केवल एक छोटा सा खेत है और एक गाय है, पर वो फिर भी इतना कैसे खुश रह लेता है, जबकि हमारे पास तो उससे ज़्यादा काफ़ी संपत्ति है पर फिर भी हम खुश नहीं रह पाते हैं, ऐसा क्यों? फिर एक दिन हरि और सोहन ने सोचा कि यदि हम दोनों मिलकर गोपाल की गाय और उसका खेत खरीद ले तो हम दोनों और भी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। गोपाल ऐसे ही गरीब रह जाएगा और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और यही सोचकर हरि और सोहन अगले ही दिन गोपाल के पास गए और कहने लगे कि यदि तुम हमें अपनी गाय बेचते हो तो बदले में हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। गोपाल को अपनी गाय से बड़ा ही प्रेम था, इसलिए हरि और सोहन की पूरी बात सुनने के बाद गोपाल ने अपनी गाय को बेचने के लिए साफ मना कर दिया और उन दोनों को घर से जाने के लिए कहने लगा। पर यह सब सुनकर हरि और सोहन को गोपाल पे बहुत गुस्सा आया और उन दोनों ने तय कर लिया कि अब वो गोपाल से इस बात का बदला लेकर ही रहेंगे। और फिर दोनों वे वापस वहाँ अपने घर की ओर चले गए। एक दिन हरि और सोहन ने गोपाल से अपना बदला लेने के लिए सोचा और वे दोनों आपस में बात करने लगे कि गोपाल को अपनी गाय से बड़ा ही प्रेम है, यदि अगर हम दोनों मिलकर गोपाल की खेती को जला दें तो उसके पास अपनी गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और इसी कारण गोपाल को अपनी गाय को बेचना ही पड़ेगा। फिर यही सोचकर हरि और सोहन ने गोपाल से अपना बदला लेने के लिए एक योजना बनाई कि हम दोनों मिलकर गोपाल के खेत को जला देते हैं। फिर उसी दिन रात को हरि और सोहन ने गोपाल का खेत जला दिया। फिर जब अगले ही दिन गोपाल अपने खेत पर गया तभी उसने देखा कि उसकी पूरी फसल जलकर राख हो गई थी और यह सब देखकर गोपाल को बड़ा ही दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वे अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसे पता ही नहीं था कि आखिर ये सब किसने किया है। फिर वे उदास होकर वापस अपने घर की ओर चला गया और फिर वे घर पहुंचकर सोचने लगा कि अब मैं गाय के भोजन की व्यवस्था कहां से करूंगा। इसी तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वहीं दूसरी ओर गाय को भोजन ना मिलने के कारण उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। फिर गोपाल अपनी गाय को खिलाने के लिए कहीं से भी चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था और वे बड़ा ही दुखी हो गया। फिर ऐसी स्थिति को देखते हुए गोपाल ने अब तय कर लिया कि वह अपनी गाय को बेच देगा ताकि उसे अच्छा भोजन तो मिलेगा और वह अच्छे से रह सकेगी। फिर यही सोचकर गोपाल अगले ही दिन अपनी गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे उन्हें लेकर बेचने के लिए शहर की ओर चल दिया। और रास्ते में चलती समय वे सोचने लगा कि यदि आगे चलकर मुझे डाकू मिले तो वो मेरे पास से जितने भी चांदी के सिक्के हैं उन्हें लूटकर ले जा सकते हैं। फिर यही सोचकर गोपाल ने अपने चांदी के सिक्कों की थैली को अपनी गाय के गले में बांध दिया और वे फिर आगे की ओर चलता रहा। तभी उसे रास्ते में चलती समय एक खाली मकान दिखाई दिया। तभी गोपाल ने सोचा कि यहीं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं फिर शहर की ओर जाएंगे। फिर यही सोचकर गोपाल ने वहीं पास में पेड़ के नीचे अपनी गाय को बांध दिया और वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी वहीं पर अचानक गोपाल की गाय के गले में जो चांदी के सिक्कों की थैली बनी थी तभी उसमें से एक अचानक एक चांदी का सिक्का नीचे गिर गया। तभी वहीं से एक धनी सेठ जी गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब घटना देखी और यह सब देखकर वे सोचने लगे कि अवश्य ही यह कोई जादुई गाय है, अगर मैं इस गाय को खरीद लूं तो मैं और भी ज़्यादा अमीर हो सकता हूं। फिर यही सोचकर सेठ को पैसे का लालच आ गया और वे धनी सेठ
गोपाल से कहने लगे कि यदि तुम मुझे अपनी गाय को बेचते हो तो बदले में मैं तुम्हें चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दे सकता हूँ। सेठ की पूरी बात सुनने के बाद गोपाल मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो कोई जादुई गाय है ही नहीं, मैंने तो इसके गले में चांदी के सिक्कों की थैली बांधी थी और उसी में से एक सिक्का नीचे गिरा है और शायद सेठ को लग रहा है ये कोई जादुई गाय है और हो सकता है कि भगवान ने ही इन सेठ को मेरी मदद के लिए भेजा होगा। और यही सोचकर गोपाल ने अपनी गाय को उस सेठ को बेच दिया और फिर गोपाल सेठ जी से कहने लगा कि यदि आप मुझे मेरी गाय के बदले में चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला देते हैं तो मैं अपनी गाय आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सेठ ने गोपाल को एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दे दिया और सेठ गाय को लेकर वहाँ से चला गया। फिर गोपाल भी चांदी के सिक्कों का थैला लेकर वापस अपने घर की ओर आ गया। फिर घर पहुंचकर गोपाल चांदी के सिक्कों को गिनने लगा, तभी अचानक वहीं पर हरि और सोहन आए और गोपाल से के पास इतने चांदी के सिक्कों को देखकर वह दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं था कि यह एक सत्य घटना है। तभी वे दोनों गोपाल से कहने लगे कि इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए। गोपाल कहने लगा कि ये सब भगवान की ही देन है, भगवान ने ही मुझे यह सारे चांदी के सिक्के दिए हैं। मुझे ये चांदी के सिक्के मेरी गाय के बदले में मिले हैं और एक सेठ जी मिले थे जो मेरी गाय के बदले में ही चांदी के सिक्के देने को तैयार थे, इसलिए मैंने मेरी गाय को उन सेठ जी को बेच दिया के बदले में ही मुझे सेठ जी ने चांदी के सिक्के दिए हैं और अब मैं इन सिक्कों को बेचकर बहुत सारी गाय भी खरीद सकता हूँ और उनकी अच्छी तरह से देखरेख भी कर सकता हूँ और कई सारे खेत भी खरीद सकता हूँ। गोपाल की पूरी बात सुनने के बाद हरि और सोहन यह सब सुनकर दंग रह गए और वे दोनों दुखी होकर वापस अपने घर की ओर चले गए। फिर कुछ ही महीनों के बाद गोपाल अब बड़ा ही अमीर व्यक्ति बन गया और उसके पास काफ़ी धन और संपत्ति थी। और वहीं दूसरी ओर सोहन और हरि अपने लालची होने के कारण ऐसे ही रह गए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कभी भी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते और ना ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें खुद को बेहतर बनाना चाहिए।